हानियास किचन में आपका स्वागत है। क्वारंटीन स्पेशल में आज मैं इंटरनेट पे वायरल हुई दालगोना कॉफी बनाने वाली हूँ। ये बहुत ही आसान तरीके से बनती है। मैंने इस कॉफी को ब्लेंडर से बनाया है। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे बिना मशीन से भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। चलिए हम देखते हैं हम इसे किस तरह बनाएंगे। 2 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफी, आप कोई भी ब्रांड का कॉफी यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून शक्कर, अगर आपके पास पीसी हुई शक्कर है तो आप वो यूज कीजिए। 2 टेबलस्पून बहुत ही गर्म पानी, इससे चीनी बहुत जल्दी घुल जाएगी। अब आप 3 से 4 मिनट तक ब्लेंडर से इसे व्हिप कीजिए जब तक यह गाढ़ी ना हो जाए। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे हाथ से भी व्हिप कर सकते हैं। हाथ से व्हिप करने की विधि आप हमारे दूसरे चैनल मिनट मील्स में देख सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जब आप कॉफी को हाथ से व्हिप करते हैं तो उसमें गर्म पानी की मात्रा कम रहेगी और शक्कर और कॉफी की मात्रा सेम रहेगी, और अगर आप मशीन से कर रहे हैं तो उसमें तीनों की मात्रा सेम रहेगी। जैसे 2 टेबलस्पून कॉफी, 2 टेबलस्पून शक्कर तो 2 टेबलस्पून गर्म पानी। अब 5 मिनट बाद ये इस तरह गाढ़ा हो जाता है। अब हम इसे असेंबल करेंगे। पहले ग्लास में आप 3 से 4 बर्फ ले लीजिए। अगर आपको कॉफी गर्म पीनी है तो आप इसमें बर्फ नहीं डालिए। फिर इसमें 3 से 4 कप ठंडा दूध डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून शक्कर, शक्कर को आप दूध में अच्छे से मिला लीजिए। शक्कर को अच्छे से मिलाने के बाद अब ये गाढ़ी कॉफी हम इस दूध पे डाल देंगे। 4 से 5 टेबलस्पून गाढ़ी कॉफी आप दूध पे डाल दीजिए और इसे अच्छे से चम्मच के जरिए लेवल कर दीजिए। अब आप चाहे तो इसके ऊपर कॉफी पाउडर या चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। फिर व्हिप्ड कॉफी को अच्छे से दूध में मिलाकर आप पीजिए। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।